हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले मैंने आपके साथ काफ़ी जो है वीडियो शेयर की हैं, 3-4 वीडियो शेयर की हैं टाइटनिंग ब्राइटनिंग स्किन की, फेशियल्स के लिए। और अब जो मैं आज ये एक वीडियो जो आपके सामने लेके आया हूँ इसी के रिगार्डिंग, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये भी इसमें भी जो है बहुत कैपेसिटी है हमारी स्किन को, जो झुर्रियों वाली स्किन है, थोड़ी जो लूज स्किन है फेस की हमारी जैसे पड़ जाती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत टाइटनिंग कैपेसिटी है इसकी। तो मैंने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सबसे पहले मेन हमारा जो है इसमें लिया है मैंने ये राइस का, बॉइल्ड राइस होते हैं जो हम उबाल के चावलों को निकालते हैं, पानी पीच बोलते हैं जिसको हम निकालते हैं, तो ये वो गाढ़ा सा सॉल्यूशन है उबले हुए राइस का, ये लिया है जो हमारे सूखने पे एकदम से हमारी स्किन को टाइट कर देगा। ये ऑयली जो है ये ऑलिव ऑयल है, ये आप इसमें कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप नारियल का जो है ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है सिसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी है मुल्तानी मिट्टी जो हमारे पैक को बहुत अच्छा स्मूथ और इफ़ेक्टिव बनाती है। और कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे गुलाब जल की, और इसमें साथ ही में हम यूज़ करेंगे विटामिन ई का, स्किन के जो है ग्रोथ के लिए, अच्छी स्किन की हमारी ग्लो के लिए जो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम एक या दो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, अगर हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो हम 2 से 3 कैप्सूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पैक बनाना। तो मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ जिसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ये जो हमारा राइस, बॉइल्ड राइस वाटर है। हम एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे समूह, तो इसमें हम जैसे भी हमें चाहिएगा, जितना भी हमें वो रिक्वायरमेंट होगी इसकी, तो हम और डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें लेंगे अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 टेबलस्पून लेने हैं या अपने 1 टेबलस्पून लेना है मुल्तानी मिट्टी का। तो मैं यहाँ पे ये आपको करके दिखा रही हूँ, मैं इसलिए एक पेस्ट फाइन सा बनाऊँगी। मैंने एक छोटा स्पून इसमें ऐड किया है मुल्तानी मिट्टी का, और ये थोड़ा सा हमने ऑलिव ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स हमने ऑलिव ऑयल के इसमें मिक्स किए हैं। और गुलाब जल डालेंगे हम थोड़ा सा, ये भी हम 3-4 ड्रॉप्स डालेंगे। मेन तो हमारा जो है इसमें ये राइस वाटर ही है, बॉइल्ड राइस वाटर, यही मेन हमारा इसमें इंग्रेडिएंट है। मैं यहाँ पर एक कैप्सूल यूज़ करके दिखाती हूँ जो नॉर्मल स्किन के लिए हमें चाहिए, ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ही ड्राई है। तो इसमें मैंने एक कैप्सूल जो है इसमें मिक्स किया है। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से फाइन पेस्ट बनाने के लिए मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब जैसे ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही गाढ़ा हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा ये राइस वाटर और ऐड कर लेंगे। मेन जो क्वांटिटी है हमने राइस वाटर की रखनी है पेस्ट में, बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है हमने अपने स्किन के अकॉर्डिंगली ही डालने हैं। राइस वाटर हमारे फेस पे वैसे भी इसको ज़्यादा देर के लिए स्टेबल करेगा, थोड़ा इसको उस पर रखेगा, स्किन पे स्टिकी रखेगा हमारे पेस्ट को। तो ये देखिए, ये हमारा एक पेस्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है। ये पेस्ट है हमारा, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अभी मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। इसकी एक ख़ास बात, सबसे मेन जो बात है हमारे पैक की, क्योंकि हम लूज स्किन के लिए इसको कर रहे हैं, तो हमने स्किन को जो है टाइट करना है, तो इसलिए हम इसको लगाने के बाद इसकी हल्की हल्की मसाज करेंगे, और ये इतना अच्छा स्मूथली जो है वो
स्टिक हो जाएगा, हमारी स्किन के साथ चिपक जाएगा। जैसे ब्रश से मैंने लगाया है तो ये ऐसे लगता है कि हमारे ऑयली है और स्किन पे नहीं ठहरेगा नहीं। तो ये जैसे जैसे हम इसकी मसाज करेंगे तो ये हमारे स्किन पे जो है वो स्टिक होता जाएगा और इस तरह ये सूख भी ड्राई भी होगा। तो ये इसकी खासियत है कि हमने मसाज जो है इसी के साथ करनी है और फिर इसको ड्राई करने के लिए होने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि हमारी स्किन बाद में जो है सूखने पे टाइट हो जाएगी और इसके साथ ही मसाज के हल्की हल्की मसाज के साथ स्किन में ग्लो आएगा और जो भी अपनी रिंकल्स झुर्रियाँ वगैरह हैं, लूज स्किन है, उसके अंदर तक सफाई होगी, उसको थोड़ा जो है चिकनाई मिलेगी जो हमारे इसमें भी है पैक में, स्मूदनेस है हमारे राइस वाटर में और प्रॉपर्टीज़ हैं जिस जो हमारी इसकी जो है मुल्तानी मिट्टी की, वो सभी इसमें विटामिन ई कैप्सूल हैं। तो हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं स्किन को ग्लो करने वाले हैं, तो इसलिए मसाज करने के बाद जो पैक सूखेगा तो हमारी ग्लोइंग स्किन जो है बाहर आएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पैक है लूज स्किन के लिए, झुर्रियों वाली जो स्किन है उसके लिए। तो अब हम इसको थोड़ी सी मसाज के बाद आप फेस पे 5-7 मिनट के लिए हल्के हाथ से इसको, ज़्यादा ज़ोर से हम जैसे लूज स्किन है बहुत ज़ोर से मसाज नहीं करते हैं तो बल्कि हल्के हैंड से, और ये बहुत ही स्मूथ सा मिक्सर हमारा तैयार होता है। मसाज में भी ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी क्रीम से मसाज कर रहे हैं, बिल्कुल क्रीमी हो जाता है हमारा ये टेक्सचर जो है, बहुत अच्छा इसका बन के आता है। और सूखने के बाद आप नोटिस करेंगे कि कितना अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया है। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी ड्राई होने पे, मैंने 3-4 मिनट इसकी मसाज की है। आप इसकी थोड़ी ज़्यादा टाइम कीजिए फेस पे अप्लाई करेंगे तो, और इसको हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर अप्लाई कीजिए और 1 महीने के बाद आप उसका रिज़ल्ट देखिए। उसके बाद आप कम भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कीजिए। अगर आप रेगुलर इसको करते रहेंगे तो स्किन में बहुत ज़्यादा 3-4 महीने में बहुत टाइट स्किन हो जाएगी, अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने ड्राई होने के लिए इसको थोड़ा छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लूज स्किन पे कभी भी ज़ोर से मसाज नहीं करते और फिर पैक लगाने से पहले मसाज भी हो जाती है हमारी स्किन की और उसके बाद हमारा पैक का भी ये काम करता है, तो हमारे दोनों जो पर्पज़ हैं सॉल्व हो जाते हैं इस सॉल्यूशन से, हमारे पैक से, मिक्सर से। तो आप इसके रिज़ल्ट ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर जो है अप्लाई कीजिए आप। तो मेरी वीडियो का वॉच कीजिए, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।